तो वैसे गेम में कभी कभी ऐसा सीन आ जाता है कि आप अपने स्क्वाड लेके उतर रहे हो और एनिमी एनिमी का स्क्वाड लेके उतर रहा है, ठीक है, लेकिन एनिमी के स्क्वाड के पास फैल्को है जिसके वजह से वो आपसे पहले उतर जाता है और उसके बाद उन लोगों को गनवन सब कुछ मिल चुका है होता है, लेकिन आप तभी उतर रहे हो, मतलब उन लोगों ने गनवन लूट के फाइट भी स्टार्ट कर दी लेकिन तब आप उतर रहे हो। तो भाई इसी सिचुएशन में आपके हाथ में एक ही रास्ता होता है, या तो डायरेक्शन चेंज कर लूँ या फिर वहाँ से भाग जाओ। तो भाई ऐसे एक सीन मेरे साथ हो चुका था, मेरे साथ बहुत बार ऐसा सीन हो चुका था, लेकिन भाई ये वाला कुछ खास था। तो गाइस मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ और मेरे राइट साइड पे एक स्क्वाड उतर रहा है और मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ ब्लू जोन की तरफ, क्योंकि ब्लू जोन पे M82 भी मिलता है पूरे मैच पे और कहीं नहीं मिलता, ठीक है, मिलता भी है लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ मिलता है, लेकिन ब्लू जोन पे पक्का ही दो M82 भी तो मिलना पक्का ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, हम इतने ऊपर है और वो सारे बंदे नीचे उतर गए, भाई उतर के भाई गनमैन लूट लिए, समझ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ भाई, जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसे कन्फ्यूजन पे था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई इस ब्लू जोन के अंदर, मतलब उतरते ही मेरे एक टीममेट को भर दिया, पूरा भर दिया, ठीक है, और अभी सिर्फ तीन ही टीममेट, मतलब मेरे को छोड़कर दो टीममेट जिंदा है, ठीक है, वो दोनों मतलब एक पेला गया, वो दोनों भी पेला जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रसाद सब में बटेगा, ठीक है। और देखना यहाँ पे मुझे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं मिला यार, घर खाली है, अभी किसने लूटा था भाई, इस घर में भी कुछ नहीं है, अबे भाई क्वार्टरलिस्ट भी ये क्या हो रहा है, भागो रे, भागो 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 भाग 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 भाई, दो बंदे के बीच से मतलब जान हथले में लेके घूम रहा हूँ, समझ रहे हो, अभी फिलहाल भाई इसके ड्रॉप बॉक्स में से भाई एक गन मिल चुका है, लेकिन इसमें एमो नहीं है, खत्म, एक भाई मेरे किल हड़प लिया भाई किसी ने, भाई एक तो भाई गन नहीं मिला, ऊपर से भाई किल हड़प लिया भाई, ये गलत सीन होगा भाई, नहीं 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 गलत सीन, बहुत गलत सीन, मेरे और एक टीममेट को आधा भर चुका है, समझ रहे हो, थोड़ा सा बाकी रह गया उसका, चल रहा हूँ गैरेज में, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं है यार, मैं सोच रहा था यहाँ पे गाड़ी मिलेगा और भाई मैं गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन भाई ये होने से रहा भाई, अब मैं क्या करूँ, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या गया और एक गया भाई, मैं भाग रहा भाई। तो गाइस फाइनली मेरे सारे टीममेट मर चुके हैं, इसके लिए चैनल को लाइक कर दो, सॉरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ हैंगर पे और जाके देखते हैं भाई सिचुएशन क्या होता है, रिवाइव विवाइव दे पाते या फिर नहीं, अगर दे दिया तो भाई भागो ऐसे भागो, नहीं 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 यहाँ पे बिल्कुल मत रुकना, भाग भाई, ये तीन बंदे मेरे ऊपर चढ़ चुके हैं, तो मेरे पास एक प्लान है, इस तीन बंदे में से एक बंदे को मुझे नॉक करना होगा अगर मुझे जिंदा रहना है, तो मैं जैसे एक बंदे को नॉक करूंगा और एक बंदा इसको रिवाइव देने जाएगा और थर्ड बंदा एक ही बंदा भाई क्या भाग रहा हूँ भाई, एक बंदे को नॉक कर दिया और एक तीन बंदा था यहाँ पे, एक बंदे को मैंने नॉक किया और एक बंदा जाएगा इसको रिवाइव करने और एक बंदा मेरे पीछे पड़ा रहेगा, तो एक बंदे को तो मैं घुमा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने सोचा। तो चलो भाई बहुत बहुत टाइम से घूम रहा हूँ भाई, मतलब इधर उधर भाई, इस मैच में सिर्फ मुझे लगता है कि मैं सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ भाई, क्या बात है भाई, चारों तरफ से ना खतरनाक वाली भाई गोली निकलने की आवाज़ आ रही है गन से, मतलब इतना ज़्यादा डर गया ना अंदर से, खौफ कहते हैं ना उसको, वैसे खौफ फैल गया अंदर, समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा, आप कोई रास्ता है नहीं भाई, कोई मुझे फालतूगिरी नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके एक एक करके ऊपर आना है और मेरे हाथों मरना है, गया एक को पूरा भर दिया भाई, ठीक है, दूसरे बंदे को भी भरा, एक सेकंड, ओए भाई ये दूसरा था, ये किल किया था साले तेरा भाई, दिल से बुरा लगता है यार।